हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा सातवीं विषय विज्ञान के अध्याय 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन लर्निंग आउटकम पर आधारित इस पाठ को प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। आइए, इसके पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, हम देखेंगे अध्याय 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन, हमारे आसपास जो परिवर्तन होते रहते हैं तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, सारे डिटेल जो है इस वीडियो में देखेंगे। देखेंगे हम S603 पदार्थों, जीवों और प्रतिक्रियाओं को अवलोकन योग्य गुणों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, जैसे पदार्थों का विलय, अविलय, पारदर्शी, पारभासी एवं अपारदर्शी के रूप में परिवर्तनों को उत्कीर्ण, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय हो सकते हैं एवं उत्क्रमणीय नहीं हो सकते हैं के रूप में देखेंगे। 604 प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने के लिए सरल विधि करते हैं। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं, जैसे फूल खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं, आपके नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं आदि, ये परिवर्तन जो हमारे सामने से देखते देखते में होते जाते हैं। तो कुछ परिवर्तन हमारे द्वारा भी किए जाते हैं, जैसे दूध से दही बनाना, खाना बनाना आदि। इनमें से कुछ परिवर्तन में पदार्थों को पुनः पूर्व स्थिति लाया जा सकता है तथा परिवर्तन में पदार्थ को पुनः पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर एक में देखेंगे परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके, तो ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सके, उत्क्रमित किए जा सकने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। इन परिवर्तनों को हम क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे। क्रियाकलाप एक, एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए। सावधानी बरतें कि वह फट ना जाए। गुब्बारे का आकार एवं अमाप बदल गया है, अब उसकी हवा जाने दें। तो ये हम इस चित्र के माध्यम से, ये बच्चे जो है फुग्गा को फुला रही है अपने गुब्बारे को, और उसे हवा कैसे भर रही है, तो इतना फुलाएं कि उससे हवा ज़्यादा ना हो और फट ना जाए। तो इस तरह से ये जो है क्रियाकलाप हम कर सकते हैं। क्रियाकलाप दो में देखेंगे हम, तो एक कागज़ का टुकड़ा लें और उसे नीचे दिए गए चित्र के अनुसार मोड़ें। इससे आपके कागज़ का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तित हो गया है, अब आप कागज़ को पुनः सीधा कीजिए। तो हम इस क्रिया के द्वारा, क्रियाकलाप के द्वारा वस्तु को परिवर्तित कैसे कर सकते हैं और फिर पुनः उसी स्थिति में ला सकते हैं। तो इस कागज़ की स्थिति को देख करके हम ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम क्रियाकलाप एक में क्या संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और अपमाप में वापस आ जाए। क्रियाकलाप दो में क्या कागज़ का अमाप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान है। परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित न किया जा सके, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पुनः स्थिति में नहीं लाया जा सकता, उत्क्रमित न किए जा सकने वाला परिवर्तन कहलाता है। इन परिवर्तनों को हम क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे। क्रियाकलाप तीन में देखेंगे हम, तो गुथे हुए आटे को की एक लोई बनाइए, इससे रोटी बनाने की कोशिश कीजिए। आप इसके आकार के खुश न हो तो इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करिए, ऐसा हम कर सकते हैं। क्या गुथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? अब लोई से पुनः रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकिए। क्या आप इस रोटी से पुनः लोई बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते हम। देखिए, आटे आपको गुथा हुआ दिख रहा है और यहाँ जो है इसकी लोई से रोटी
बनी हुई है, इसको सेकने के बाद में रोटी बन जाती है। और ये जो है रोटी बनने के बाद में पुनः ये आटा, गुथा हुआ आटा नहीं बन सकता, ये इस प्रकार हम चित्र में देख सकते हैं। ये क्रियाकलाप चार में देखेंगे हम, तो क्रियाकलाप चार में क्रियाकलाप एक में उपयोग किए जाने वाले गुब्बारों को लीजिए, उसको पूरे अमाप में फुलाइए तथा उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेन से छेद कीजिए। क्या अब आप गुब्बारे को पुनः पूर्व अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं? क्रियाकलाप एक व दो में हुए परिवर्तनों को पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है, किंतु क्रियाकलाप तीन व चार में हुए परिवर्तनों को पुनः पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता। तो यह हमने क्रियाकलाप में जाना। इसके बाद देखेंगे परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं, जैसे बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए रिम को लकड़ी के पहिए के धीरे घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम पर चढ़ जाता है, गर्म करने से आकार बढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालिए, जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। इस प्रकार की परिवर्तन जो है हम देख सकें। तो इसी प्रकार विभिन्न औजारों के भी लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं, कुछ समय बाद वह उबलना शुरू हो जाता है। यदि हम इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा परिवर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार की क्रिया भी हम कर सकते हैं। क्रियाकलाप पाँच में देखेंगे, एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें, इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं। कुछ समय तक इसे जलने दें, मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः उसकी लंबाई नापें, तो निश्चित तौर पर इसकी लंबाई जो है कम होती जाएगी। ये मोमबत्ती है और एक जलती हुई, इसको बुझाने के बाद में जब नापेंगे तो थोड़ी बहुत कम हमें जो है देखने को मिली। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तित को उत्क्रमित किया जा सकता है? यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यहाँ देखिए आप मोमबत्ती की सहायता से बर्तन को गर्म किया जा रहा है। तो इसी प्रकार धूप बत्ती को जलाने पर वह कुछ नए पदार्थ बनाती है, ये कुछ राख और गैस के रूप में है। हमने देखा पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें कुछ परिवर्तित लाए जा सकते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं। अब इसके बाद देखेंगे बच्चों हम वर्कशीट एक, प्रश्न क्रमांक एक, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, उत्क्रमित परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिससे पदार्थ को पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सके उत्क्रमित किए जा सकने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए गुब्बारा, कागज का, हवाई जहाज। उत्क्रमित परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पुनः स्थिति में नहीं लाया जा सकता अनुत्क्रमित परिवर्तन या उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रोटी, पहिया, जलती मोमबत्ती। प्रश्न दो में देखेंगे हम, तो प्रश्न दो में है, ठंडे दूध से गर्म दूध करना, दूध से पानी बनाना, ये परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं। उत्क्रमित ठंडे दूध से गर्म दूध करना, हाँ। दूध से पनीर बनाना, नहीं। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न तीन देखेंगे, पकी हुई रोटी से गुथा आटा बनाया जा सकता है या नहीं, यह कौन सा परिवर्तन है? तो पकी हुई रोटी से गुथा आटा नहीं बनाया जा सकता, यह अनुक्रमित परिवर्तन है, उत्क्रमित न किए जा सकने वाला परिवर्तन है। इस प्रकार से हम इसका हल लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न चार, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है, क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, तो इसमें उत्तर लिख देंगे नहीं। इसके बाद प्रश्न पाँच, कली से फूल का खिलना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? तो उत्क्रमित न किए जा सकने वाला परिवर्तन है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम वर्कशीट दो, प्रश्न क्रमांक एक, बैलगाड़ी के पहिए पर धातु की रिम को कैसे चढ़ाया जाता है? तो बैलगाड़ी के पहिए पर लोहे की रिम को कसने के लिए रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं और गर्म
करने पर रिम चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर डंडा ठंडा पानी जो है डालिए, जिससे रिम ठंडा हो जाएगा और पहिए के ऊपर कस जाएगा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक दो देखिए, मोमबत्ती का जलना एवं मोम को गर्म करना दोनों परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। तो मोमबत्ती का जलना एक उत्क्रमित न किए जाने वाला परिवर्तन है, तथा मोम को गर्म करने पर उस उत्क्रमित किया जा सकता है। तो ऐसे हम इसका हल लिख सकते हैं। बच्चों आगे देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक तीन, मोमबत्ती को कुछ देर जलाने पर मोमबत्ती की लंबाई में होने वाला परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं, कारण लिखिए। तो मोमबत्ती को जलाने पर उसकी लंबाई में कमी आ जाती है, क्योंकि वह वाष्प के साथ जलकर पिघलने लगती है, अतः मोमबत्ती को जलाने के बाद उसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख देंगे बच्चों। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक चार, धूप बत्ती के जलने पर कौन से नए पदार्थ बनते हैं, नाम लिखिए। तो धूप बत्ती के जलने पर कुछ नए पदार्थ बनते हैं, ये कुछ राख और गैस के रूप में होते हैं। प्रश्न पाँच देखिए, जल से जल वाष्प का बनना कौन सा परिवर्तन है, उत्क्रमित किए जाने वाला या उत्क्रमित न किए जाने वाला। तो जल से जल वाष्प का बनना उत्क्रमित परिवर्तन है। इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम इस पाठ के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट कार्य हमको करना है वह है, देखेंगे हम प्रोजेक्ट कार्य। प्रश्न एक, अपने दैनिक जीवन में होने वाली परिवर्तनों की सूची बनाइए। इन परिवर्तनों में उत्क्रमित किए जाने वाला या उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों की पहचान करिए। जैसे हम सूची बनाएंगे उत्क्रमित परिवर्तन और उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तन। तो उत्क्रमित में बर्फ का पिघलना, कागज़ को मोड़ना, पानी से भाप बनाना, बलून गुब्बारे को फुलाना। अब यहाँ पर हम देखेंगे उत्क्रमित न किए जाने वाले, तो भोजन पकाना, किसी सजीव में वृद्धि, मोमबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, दही बनाना। इसके बाद देखेंगे प्रश्न दो, प्रश्न दो में है, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। क्रमांक परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है, हाँ या नहीं में हमको उत्तर देना है। जैसे कच्चे अंडे से उबला अंडा, इसमें उत्क्रमित किया जा सकता है, नहीं। लोहे से रोटी बेलना, लोई से रोटी बेलना, तो इसको उत्क्रमित किया जा सकता है, तो हाँ। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, इसको उत्क्रमित किया जा सकता है, नहीं। इसके बाद हम देखेंगे ऊन के धागों से बुना हुआ स्वेटर, इसको उत्क्रमित किया जा सकता है, हाँ। अनाज से बनाया गया आटा, इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ठंडे दूध से गर्म दूध, इसको उत्क्रमित किया जा सकता, हाँ। सीधे डोरी से कुंडलित डोरी करना, इसको उत्क्रमित किया जा सकता है, हाँ। कली से फूल, इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, इसलिए नहीं लिख देंगे। दूध से पनीर, इसको भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, इसलिए नहीं लिखेंगे। गाय के गोबर से बायोगैस, इसको भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, इसलिए नहीं लिख देंगे। इसके बाद खिंचे रबड़ बैंड से सामान्य सहज का रबड़ बैंड, तो इसको उत्क्रमित किया जा सकता है। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, इसको भी उत्क्रमित किया जा सकता है। इसके बाद दूध से दही बनना, इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। फिर कागज़ को मोड़कर हवाई जहाज बनाना, इसको उत्क्रमित किया जा सकता है। फिर मौसम का बदलना, इसको उत्क्रमित किया जा सकता है। इस प्रकार से हम इसके आंसरों को लिख देंगे। तो बच्चों इसके बाद देखेंगे हम स्वआकलन। स्वआकलन क्या होता है, जो पार्ट में हमने पढ़ा है पार्ट से ही अंतर्गत इसमें भी पूछा जाता है, और इसमें हमको जो हमने सीखा है इसके आंसर हमको यहाँ देना है। तो प्रश्न एक, सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न एक है, निम्नलिखित में से उत्क्रमित किए जाने जा सकने वाला परिवर्तन कौन सा है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, पेड़ों को काटना, घी को पिघलना, फूल का खिलना, लकड़ी को जलना। तो बी इसका सही आंसर आ जाएगा, घी को पिघलाना। इसके बाद सेकंड नंबर का है, निम्नलिखित में से उत्क्रमित न किए जा सकने वाला परिवर्तन है। चार ऑप्शन इसमें भी है, ए में दरवाज़ा खोलना, आइसक्रीम का पिघलाना, भोजन का पाचन, चाल से ब्लैक बोर्ड पर लिखना। तो ये इसमें आ जाएगा सी, भोजन का पाचन। तीसरा नंबर का, ऐसा परिवर्तन जिससे
जिसमें पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है कहलाता है। ये उत्क्रमित परिवर्तन, बी अनुत्क्रमित परिवर्तन, सी रासायनिक परिवर्तन, डी तीव्र परिवर्तन। तो इसमें सही आंसर आएगा ए उत्क्रमणीय परिवर्तन। इसके बाद प्रश्न दो देखेंगे। निम्न कथनों के लिए सत्य या असत्य लिखिए। नंबर एक, समस्त परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, असत्य। कागज को मोड़कर बनाया गया खिलौना हवाई जहाज को उत्क्रमित किया जा सकता है, ये सत्य है। प्रश्न तीन, शक्कर से चाशनी का बनना कौन सा परिवर्तन है, नाम लिखिए। तो भौतिक परिवर्तन है, उत्क्रमित न किए जाने वाला परिवर्तन है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न चार, मोम को पिघलाना कौन सा परिवर्तन है, नाम लिखिए। तो उत्क्रमित परिवर्तन है या मोम को पिघलाना। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न पाँच, सत्य और असत्य। नंबर एक, फलों का पकना उत्क्रमित परिवर्तन है। फलों का पकना उत्क्रमित परिवर्तन है, असत्य है। लोहे को गर्म होने पर फैलता है तथा ठंडा होने पर संकुचित होता है, सत्य है। कपड़ों पर प्रेस करना अनुक्रमित परिवर्तन है, असत्य है। सभी परिवर्तन अनुक्रमित किए जा सकते हैं, असत्य है। तो इस प्रकार से हम इसका सही आंसर को स्व आकलन कर लेंगे। तो बच्चों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और आने वाले वर्कशीट को तैयार करने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।